धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, साल 2015 मई और जून का महीना 2015 मई और जून के महीने में दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया। 11 रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में 11 विधानसभाओं को चुना गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 विधानसभाएं जहां मोहल्ला सभाएं आयोजित की जाएंगी और इसके लिए सभी रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारी एमएलए ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी कोशिश करी कि ये बढ़िया तरीके से, पूरे देश की नजरें इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर थी कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो, ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। सब साथियों ने बड़ी मेहनत करी, पब्लिक में भी काफी अवेयरनेस थी, मीडिया के माध्यम से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इन मोहल्ला सभाओं में। मेरी खुद की विधानसभा सदर बाजार में 40 मोहल्ला सभाएं बनाई गई और हर एक अक्सर नागरिक पूछते थे ये कब आयोजित होंगी, कहाँ होंगी, उनको मैसेज सर्कुलेट किए गए, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि मैं अपनी विधानसभा के आपको एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। सब चाहते थे कि ये बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है, सब इसमें पार्टिसिपेट करें। अब से पहले क्या होता था, एमएलएज अपनी इच्छा से काम कराते थे, पर ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पब्लिक आती, अपनी बातें रखती और वो काम करवाती जो वो चाहती है। नेताजी गेट बनवाना चाहते हैं लेकिन पब्लिक चाहती थी टूटी हुई सड़क बनाई जाए। नेताजी फवारे लगवाना चाहते हैं, पब्लिक चाहती थी कि उनके यहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम जो वास्तव में रियल कॉमन मैन, जो पब्लिक चाहती है एग्जीक्यूट हों, वो सारे के सारे इन मोहल्ला सभाओं के माध्यम से उठाए गए। एसडीएम इन सभाओं में मौजूद थे, एडीएम मौजूद थे, पूरी रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की टीम और एमएलए इनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पब्लिक के माध्यम से बहुत सारे प्रपोजल आए, उनमें काफी सारे प्रपोजल एग्जीक्यूट भी हुए, कुछ नहीं भी हो पाए, पर क्योंकि पहली बार ये इस तरह का आयोजन किया जा रहा था तो कुछ कमियां भी रही उसमें। लेकिन अब अक्सर लोग पूछते हैं जब भी असेंबलीज में जाते हैं कि ये मोहल्ला सभाएं दोबारा कब आयोजित होंगी, हम अपने प्रपोजल कब लेकर आएंगे, ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे, और दिल्ली की विधानसभा जिसने ये बिल मोहल्ला सभाओं का पास किया है, मेरे आप सबसे इस सदन के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मोहल्ला सभा के बिल को एलजी साहब के यहाँ पब्लिक का मैसेज, पब्लिक की भावनाएं, हमारे विधायकों की भावनाएं कन्वे की जाएं कि इस बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद श्री वंदना कुमारी जी। श्रीमती वंदना जी, धन्यवाद अध्यक्ष।